नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित वर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। इसका नाम स्टडी क्लास है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मेरी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है आपका कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया है। तो मतलब तो कपूर को ऊर्ध्वपतन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। और अगला पॉइंट है कि रात के समय पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो रात के समय आपके पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन आपका जॉन डॉल्टन ने 1801 ईस्वी में दिया था। अगला पॉइंट है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद आपका खट्टा होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो मतलब ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में आपका हीलियम पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि बैक्टीरियों में साधारणतः कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। तो बैक्टीरियों में साधारणतः आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मैं बता दूँ, आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर क्या निर्भर करता है। तो मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आपका परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो मैं बता दूँ, आपका सोना जो होता है अम्ल राज में घुल जाता है। अगला पॉइंट है फिटकरी में जल के अणु कितने होते हैं। तो मैं बता दूँ, फिटकरी में जल के अणु आपके 4 होते हैं। अगला पॉइंट है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या। तो मैं बता दूँ, आपका नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। अगला पॉइंट है कि फ्यूज तार का प्रतिरोध तथा गलनांक क्या होता है। तो मैं बता दूँ, फ्यूज तार जो अपने लोग घर में फ्यूज वायर का यूज़ करते हैं, उसका जो होता है उच्च प्रतिरोध होता है तथा निम्न गलनांक होता है। तो आपको याद रखना कि प्रतिरोध जो होता है उसका उच्च होता है और गलनांक आपका निम्न होता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूँ, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के पुणे में स्थित है। अगला पॉइंट है रेयन किस प्रकार का रेशा है। रेयन जो है आपका संश्लेषित रेशा है। अगला पॉइंट है कि किसी भी घोल को क्षारीयता करने के लिए उसका पीएच मान कितना करना होता है। तो मैं बताऊँ, 7 से अधिक पीएच मान करने पर उसका जो भी अम्ल होता है वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम होता तो वो अम्लीय, उसको अम्लीय बोलते हैं किसी भी घोल को, और जो 7 से ऊपर होता है उसे क्षारीय बोलते हैं। अगला पॉइंट है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। मतलब गोबर गैस में मुख्यतः आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। अगला पॉइंट है मशीनों में स्नेक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मशीनों में स्नेक के रूप में आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि हीरा किसके कारण चमकता है। तो मतलब आपका हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन किस तरह की गैस है। तो मतलब ऑक्सीजन जो होती है आपकी रंगीन गंधहीन और स्वादहीन गैस है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के भीतर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो मतलब सूर्य के भीतर आपकी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट है कि कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं। तो कृत्रिम रबड़ जो होती है आपकी थर्माकोल को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि E=mc² समीकरण किसने दिया है। तो मतलब E=mc² समीकरण आपका आइंस्टीन ने दिया है। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो मतलब प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ आपका यूरिया है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम कांच का निर्माण कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में आपका मिश्र में हुआ था। अगला पॉइंट है आपका चूने के पानी का दूध दिया रंग जो होता है किसके कारण हो जाता है। तो मतलब चूने के पानी का दूध रंग आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। अगला पॉइंट है कि किस पदार्थ को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मैं बता दूँ, आपका हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो मैं बता दूँ, आपकी विद्युत बल्ब में आपकी अक्रिय ऑर्गन गैस भरी होती है। अगला पॉइंट है आपका कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि समुद्री जल में वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या तैयार किया जाता है। तो समुद्री जल में वाष्पीकरण विधि द्वारा आपका नमक तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी। मतलब अक्रिय गैसों की खोज आपकी रैमजे ने की थी। अगला पॉइंट है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मतलब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको C6O12 और H6 होता है। मतलब करेला में करवाट किसके कारण होती है। जो आपका करेला अपने लोग खाते हैं उसमें करवाट जो होती है किसके कारण होती है, वो आपको कोई होती है मेमोरिडियोकोशाइट के कारण आपकी करवाट होती है करेले में। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि ब्लीचिंग पाउडर ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या था। मतलब ब्लीचिंग चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला पॉइंट है कि लोशन में गंध का कारण क्या होता है। तो मतलब एलाइसिन यौगिक होता है
उसमें ल्यूसीन में गंध का जो ल्यूसीन में आपकी गंध आती है वो एलाइन यौगिक के कारण आती है। अगला पॉइंट है कि लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है, तो मतलब लोहे में जंग लगती है वो आपकी ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगती है। अगला पॉइंट है कि जल की स्थायी कठोरता किस लवण के घुले रहने के कारण होती है, तो मतलब जल में स्थायी कठोरता आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड घुले होने के कारण स्थायी कठोरता रहती है। अगला पॉइंट है कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। अगला पॉइंट है कि जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है, तो जल में अस्थायी कठोरता आपकी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण है। अगला पॉइंट है कि जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, मतलब करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अगला पॉइंट है कि नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का आकार 10^-15 मीटर होता है। अगला पॉइंट है रेयॉन रेशे किससे तैयार किए जाते हैं, आपका रेयॉन रेशे आपके सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। अगला पॉइंट है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं, तो आपको बता दूँ कार्बन के सबसे अधिक संख्या में यौगिक होते हैं। अगला पॉइंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, तो बता दूँ आपका माल्टोस होता है, माल्टेस होता है जो कि लार में पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अगला पॉइंट है कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, मतलब आपके ढलुआ लोहे में कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।